वर्तमान में रहे, हमेशा खुश रहे, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। लोग पूछते रहते हैं कि वर्तमान में रहना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, वर्तमान के क्षण में रहो तो ही आप खुश रह सकते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। तो ये हमको काफ़ी सारे संदेश आते रहे तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। उसके पहले बताना चाहूँगा कि एक हमारा बिजनेस का वर्कशॉप होने वाला है जिसमें मैं 10 सेशंस लेने वाला हूँ, 10 सीरीज, दो दो घंटे की, एक ऐसे हर हफ्ते में, एक ऐसे 10 हफ्ते, और वो बिजनेस का 10 गुना ज़्यादा ग्रोथ कैसे करना उसके बारे में वो उसमें सिखाया जाएगा। वो वर्कशॉप है, आपको यदि वो वर्कशॉप में जानना है तो हमने जो नंबर नीचे दिए उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। उसकी फीस 10,000 रुपये है और 10,000 रुपीज़ फी में आप 10 सेशन अटेंड कर सकते हैं, अपना बिजनेस 10 गुना कैसे बढ़ाए। तो आइए अभी हम आते हैं एक क्षण में और ये टॉपिक के ऊपर। क्या होता है कि हम वर्तमान में रहते नहीं है, प्रेजेंट में हम रहते नहीं है, प्रेजेंट टू द प्रेजेंट रहते नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में कंटिन्यूस विचार चालू रहते हैं। और वो विचार जो चालू रहते हैं कंटिन्यूस ऑनगोइंगली, वो दो प्रकार के रहते हैं। एक तो वो ऑटोमेटिक थॉट्स चालू रहते हैं, कुछ ना कुछ थॉट्स ऑटोमेटिकली थॉट आ रहे हैं, जो क्षण हो गए हैं, जो घटनाएं हुई है उसके बारे में। और दूसरा एक है जो आपसे बातें कर रहा है, मतलब दैट वॉइस इज टॉकिंग टू यू, वो आवाज़ आपसे बात कर रही है। जैसा मेरा नाम दीपक है तो दीपक तू ऐसा कर, दीपक तू ऐसा कर, दीपक तूने ऐसा करना चाहिए, दीपक तूने वैसा करना चाहिए, इस तरह का वो बोलती रहती है और मैं वैसा करता हूँ। तो एक आवाज़ जो है वो मेरे से बात करती रहती है, एक आवाज़ जो है वो थॉट प्रोसेस, थॉटिंग बोलते हैं उसको, चालू है थॉटिंग कंटिन्यूसली, और वो अनकंट्रोल्ड है। जैसे ये भी अनकंट्रोल्ड है, वो भी अनकंट्रोल्ड है। तीसरा जो प्रकार है वो थिंकिंग, मतलब मैं प्रेजेंट मोमेंट में अभी सोच रहा हूँ और अभी बोल रहा हूँ, वो तीसरा प्रकार है। अभी देखिए क्या होता है कि जो थॉटिंग होता है, मतलब जो विचार आते रहते हैं, वो विचार अतीत के बारे में रहते हैं, भूतकाल के बारे में रहते हैं, जो भी घटना हुई है उसके बारे में रहते हैं। और जो भी घटना हुई है ज़्यादातर हम उसको बुरा ही अर्थ लगाते हैं, अच्छा अर्थ लगाते नहीं है, और बुरा अर्थ लगाते हैं, नकारात्मक अर्थ लगाते हैं, उससे निराशा आती है, नहीं तो चिंता आएगी, फिक्र रहेंगी, घबराहट होंगी, और जो भी अतीत में हुआ है वैसा ही भविष्य में हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है, और उससे मैं हरदम डरा हुआ रहता हूँ। मनुष्य प्राणी हरदम डरा हुआ इंसान है ऐसा बोलते हैं। डरा हुआ इंसान क्यों? क्योंकि वो डरा हुआ इंसान इसलिए कि उसको लगता है कि जो भी अतीत में हुआ है वो रिपीट हो जाएगा, और रिपीट हुआ तो फिर वो हरदम डर के जी रहा है। तो फिर क्या हो रहा है कि एक तो वो भूतकाल के स्टोरीज में है, उसके जो थॉट्स आ रहे उसमें है, और भविष्य में ऐसा हो जाएगा उसकी चिंता में है। 99.99% हमारा टाइम जो है वो भूतकाल में ही जाता है, और भूतकाल प्रोजेक्टेड इनटू द फ्यूचर, भविष्य में उसको प्रोजेक्ट किया वैसा घटेगा उसमें जाता है। हम प्रेजेंट में फिर है कहाँ? प्रेजेंट में तो है नहीं, कंटिन्यू चालू है। तो जो भी घटना हुई है उसको हम मीनिंग लगाते रहते अर्थ लगाते रहते, और ज़्यादातर समय वो अर्थ निगेटिव ही रहता है। अब वो निगेटिव अर्थ जो है वो अर्थ हमको दुख देता है, चिंता देता है, और हम डाउन उसके वजह से हो जाते हैं। अभी करना क्या है? करना यही है कि हमको बार बार ये प्रेजेंट होना पड़ेगा कि जो भी थॉट्स मुझे आ रहे हैं वो थॉट्स अतीत के बारे में है, जो भी घटना है उसके बारे में है, और मैंने उसको निगेटिव अर्थ लगाया हुआ है उसके बारे में है और उसकी वजह से है। अब कैसा ये, फॉर एग्जाम्पल कि मैं रास्ते में से जा रहा हूँ, उधर से कोई मेरा दोस्त आ रहा है और उसने मुझे नमस्ते नहीं किया, मैंने उसको नमस्ते किया मगर उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया और नमस्ते नहीं किया। अब मैं उसका अर्थ लगाता हूँ कि ये मुझे टाल रहा है, ये मुझे निगलेक्ट कर रहा है, ये मुझे भाव नहीं देता है, ये तो अपने दिमाग में ज़्यादा रहता है, ऐसा उसको अर्थ लगा देता हूँ। वो विचार में दिमाग में चालू रहते हैं और उसके बारे में अभी मैं इसका बदला कैसे लूँगा, अभी मैं इसको बताऊँगा क्या करना क्या नहीं, ऐसा मेरे दिमाग में चालू रहेंगे और वो विचार आते रहेंगे। अब एक्चुअली क्या हुआ? एक्चुअली ये हुआ है कि वो उधर से आया, मैं इधर से गया, उसने मेरे तरफ देखा नहीं, मैंने नमस्ते किया, उसने नमस्ते किया नहीं, इतने हुआ। इसका कोई मतलब है क्या? उसको बहुत सारे मतलब निकलते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि उसका ख्याल नहीं होगा, इसका मतलब यह है कि वो बहुत चिंता में होगा इसलिए उसका ख्याल गया नहीं, इसका मतलब वो जल्दी में होगा और कहीं उसको ट्रेन पकड़नी होगी, गाड़ी पकड़नी होगी, जो भी है। इसका मतलब है कि कोई सीरियस व्यक्ति को वो अटेंड करने के लिए जाता होगा। काफ़ी सारे उसके मतलब निकल सकते हैं कि जिसके वजह से उसने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया, मगर मैंने मतलब क्या निकाला कि वो मुझे टाल रहा है, अब उसके वजह से मुझे दुख होता है। यदि हम ये बात ध्यान में रखते हैं बार बार कि भाई जो भी घटना हुई है वो घटनाओं को मैं अर्थ देता हूँ, मीनिंग देता हूँ, और नकारात्मक मीनिंग देते रहता हूँ, एक्चुअली घटना को क्या मीनिंग है वो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्चुअली पूछना पड़ेगा कि उसका मीनिंग क्या है।
मुझे एक्चुअली वो व्यक्ति को पूछना पड़ेगा कि मैंने तुमको नमस्ते किया, तुमने उसका जवाब क्यों नहीं दिया या तुमने रेस्पॉन्स क्यों नहीं किया, तो मुझे मालूम पड़ेगा क्यों। मगर मैं वो नहीं करता, मैं अपने दिमाग में रहता हूँ और उसकी वजह से दुखी हो जाता हूँ और वो चिंतित रहता हूँ आगे भी ऐसा होगा तो। उसने मुझे माना नहीं, उसने नमस्ते नहीं किया, सभी लोग मेरे से ऐसा कर रहे क्या, सभी लोग आजकल मुझे टाल रहे क्या, सब लोग ऐसा टालेंगे तो क्या हो जाएगा, लोग मुझे आजकल मानते ही नहीं है, लोग मेरा सुनते ही नहीं, चालू थॉट्स, देन आई एम नॉट प्रेजेंट टू द प्रेजेंट, मैं प्रेजेंट को प्रेजेंट नहीं हूँ। तो ये हमने देखना है कि भाई जो भी विचार आ रहे हैं वो विचार अतीत के, वो हम भविष्य में डाल रहे हैं, तो जो भी विचार आ रहे हैं उसको ऑब्जर्व करो, वो विचार है प्रेजेंट में अभी क्या हो रहा है, प्रेजेंट में कुछ घटनाएं हुई है, हम ये कर सकते कि उसको मैं अच्छा मीनिंग कैसा लगा सकता हूँ और सत्य जो है वो कैसे ढूंढ के निकाल सकता हूँ, वही मुझे रिलीफ देगा, वही मुझे मन की शांति देगा, वही मुझे प्रेजेंट में जीने देगा। तो एक यह है, इसका जो अप्रोच है वो है लॉजिकल अप्रोच, रीजनिंग वाला अप्रोच, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी वाला अप्रोच। दूसरा ये है कि भाई मैं मेडिटेशन करता हूँ 20 मिनट रोज, यदि मैं मेडिटेशन करता हूँ और सभी वातावरण से शांत बैठ के, मतलब वातावरण को कनेक्ट न होते हुए शांत बैठ के, जस्ट ऑब्जर्विंग माई थॉट्स, मेरे थॉट्स जो उसको ऑब्जर्व करना, देखो कैसे थॉट्स आ रहे हैं, जस्ट वॉचिंग द थॉट, थॉट को देखना, वॉच करना कैसे आ रहे हैं, जा रहे आ रहे जा रहे, देखो कैसा ऑटोमेटिसिटी हो रही है, और उसको मैं यदि ऑब्जर्व करता हूँ वो थॉट्स को, धीरे 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 थॉट्स की स्पीड कम हो जाएगी और धीरे धीरे शून्य अवस्था प्राप्त हो जाएगी। अब ये जल्दी होगा, एक दिन में होगा, 8 दिन में होगा, नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा उसके लिए, समय काफ़ी लगेगा, तो लगने दो, तो प्रैक्टिस करो, और आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप आपके थॉट्स को वॉच कर सकेंगे, जैसे जैसे थॉट्स को वॉच कर सकेंगे, जितने अच्छे से वॉच कर सकोगे, थॉट्स की स्पीड कम हो जाएंगी और आप शून्य अवस्था में आएंगे। तो ये दोनों बातें करते हैं तो डेफिनेटली आप वर्तमान में मौजूद रहेंगे, वर्तमान में प्रतीत रहेंगे, वर्तमान में प्रेजेंट हो जाएंगे और उससे आपको खुशियाँ, शांति बहुत मिल सकती है। वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।